दूसरी जानिब आपको बताएं, गोल्डन पर्ल हेड ऑफिस में 14 अगस्त की मुनासबत से तकरीब हुई। सीईओ गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक शेख आबिद ने मुलाजमीन के हमराह परचम कुशाई की। जीएम मार्केट अब्दुल हनान समेत दीगर ने खसूसी शिरकत की। सीईओ गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक शेख आबिद ने टीम के हमराह 14 अगस्त का केक काटा, जबकि तकरीब के अहतमाम पर पौधा लगाकर मुल्को कौम की सलामती की दुआ की। तकरीब का अहवाल बताएंगी मायदा वहीद। जी मायदा, गोल्डन पर्ल हेड ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर चेयरमैन जो हैं हमारे साथ शेख आबिद महमूद साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर केक भी काटा और इस हवाले से तकरीब का एहतमाम भी किया। उनसे जानने थे सर, सबसे पहले तो आपको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग तशरीफ लाए और कवरेज के लिए यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं। मैं इस वक्त बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के लिए जितना कर सकते हैं, ये हमारा पाकिस्तान है, हम ही ने इसको बनाना है, हम ही ने इसकी खिदमत करनी है, जितना हम मुल्क पाकिस्तान के लिए कर सकें पॉजिटिव वे में हमें करना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान को जितनी हमारी इस वक्त ज़रूरत है, शायद पिछले 76 साल में कभी नहीं थी। हम सबको चाहिए कि अपना मैक्सिमम शेयर दें इस पाकिस्तान की तरक्की में, और पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने वो नेमतें अता की हैं जो कि बहुत सारे मुल्कों को मैसर नहीं है, सिर्फ उनकी यूटिलाइजेशन है। यूटिलाइजेशन हम ईमानदारी के साथ, सच्चे जज्बे और लगन के साथ अगर करेंगे तो कोई पाकिस्तान को तरक्की करने से रोक नहीं सकता। पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। शेख आबिद महमूद साहब ने यहाँ पर केक भी काटा और उसी के साथ साथ परचम लहराया और साथ जो है वो पौधा लगाने के साथ साथ यहाँ पर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआ भी। ठीक है वायदा, बहुत शुक्रिया आपका।